नमस्कार फ्रेंड्स, देखिए ये मैं आपको मैंने दो वीडियो प्रीवियस में बना चुका हूँ मैं, ठीक है। इस वीडियो में आपको सिक्स क्लास का जो एंट्रेंस है मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ कि उसमें कैसे क्या प्रोसेस है। देखिए ये जो है ये गाइड टू एडमिशन जो ब्रोशर होता है यूनिवर्सिटी का, मैं उससे डिस्कस कर रहा हूँ आपको, तो ये ऑथेंटिक है, इसमें कोई बात नहीं है, आपको सबकी कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए ये इसमें दो स्कूल है, सिक्स छठवीं क्लास के लिए, सिक्स क्लास के लिए दो स्कूल है, एक एस टी एस स्कूल है, एक आर एम पी एस स्कूल है, सिटी हाई स्कूल जैसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एंट्रेंस का प्रोसीजर पूरा है, मैं आपसे थोड़ा सीट का बात करता हूँ। देखिए 40-40 सीट है दोनों स्कूल में, इंग्लिश मीडियम की, तो ये ध्यान रखना। तो ये टोटल कितनी सीट हो गई, 80 सीट हो गई, ठीक है, 80 सीट हो गई। प्लस अगर आप आर पी एम सिटी स्कूल की बात करेंगे, स्कूल वही है लेकिन यहाँ बस मीडियम उर्दू है, ठीक है, इसमें 40 सीट है। तो कुल मिला के आपके 40 सीट इसमें हो गई। ये बॉयज़ की बात करी जा रही है, देखिए इधर लिख है ना, उर्दू मीडियम वालों के लिए 4 सीट है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 80 सीट है। अब देखिए गर्ल्स की बात करते हैं तो 40 सीट गर्ल्स की है इंग्लिश मीडियम से, और सीट एम ओ सिटी गर्ल हाई स्कूल जो है इसकी ये 45 सीट है, ठीक है। इंग्लिश तो इसमें क्या है कि उर्दू मीडियम वाले में सीट ज़्यादा है, थोड़ी सी 5 सीट ज़्यादा है, और गर्ल्स वाले जो है ये सीट 40 सीट है इसमें, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट की एज का क्या है, 10 से 12 साल की उम्र होनी चाहिए स्टूडेंट की, ठीक है। और एज का मेजरमेंट भी तो कुछ होगा ना, तो ये 31 मार्च को डेट मेजर करी जाएगी, 31 मार्च के थ्रू, मतलब उस तारीख में आपकी एज का मेजरमेंट किया जाएगा, मतलब कैलकुलेशन होगी, मतलब हाँ मेजरमेंट क्यों, ठीक है। तो ये वाली बात है। अब देखिए वो मैं आपको हर एक उसमें बता रहा हूँ वीडियो में, ये सीधा सीधा प्रोसेस, 85 नंबर का वो होता है आपका पेपर और 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, उसमें इंटरेक्शन बताया था फर्स्ट, उसमें ये इंटरव्यू है, ठीक है। तो देखिए ये है, दो सेक्शन होंगे इसमें, ठीक है, रिटन टेस्ट सेल कंपैरिजन, दो सेक्शन होंगे इसमें। इट सेल्फ ऑफ 25 मार्क्स कंपैरिजन, 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, वन बार वन ईच लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश और हिंदी तीनों में, ठीक है। इट सेल्फ बी ऑफ 60 मार्क्स कंप्राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन वन मार्क, ठीक है। तो देखिए वाला है 25 नंबर में आपकी तीनों सब्जेक्ट आएंगे, इंग्लिश उर्दू हिंदी, जैसे आप मान के चलिए कि 8 24 8-8 नंबर की तीनों सब्जेक्ट आएंगे आपके, इंग्लिश से ही पूछ रहा है और उर्दू से और हिंदी से भी, तीनों पूछ रहा है ना। 60 नंबर की जो है वो आपकी साइंस आएगी और मैथमेटिक्स आएगा, जिसमें अभी दिया गया आगे कि 30 क्वेश्चन जो होंगे मैथमेटिक्स के होंगे, 30 क्वेश्चन आपके साइंस के होंगे और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के भी होंगे, ठीक है। अब देखिए नोट में क्या दिया गया यहाँ, इट इज़ एसेंशियल दैट कैंडिडेट ओबटेन अ मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन सेक्शन वन इन द रिटन टेस्ट। ये वाली बात देखिए, कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी में ज़्यादा ध्यान दे रही है कि कम से कम 40 नंबर आपके आने चाहिए आपके, ठीक है ना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 10 नंबर से ऊपर ही लाने ही लाने हैं, कम से कम 10 नंबर आपके होने चाहिए, मिनिमम 10 नंबर होने चाहिए आपके, है ना। तो ये वाली बात है कि 10 नंबर आपके होने ही चाहिए कम से कम, तब आप मान के चलेंगे हम कि आपका मतलब इसमें दरअसल ये क्राइटेरिया है इसमें कि अगर आपका फर्स्ट सेक्शन में 40% से नंबर है आपके, कम से कम 10 नंबर है आपके, तो आपका सेकंड सेक्शन जो है वो मतलब चेक किया जाएगा, इसमें ये क्राइटेरिया है दरअसल। इसलिए बच्चे जो हैं वो लैंग्वेज वाले फर्स्ट वाले सेक्शन पे ध्यान दे के चलते हैं, ऐसा नहीं है कि आप दूसरे वाले सेक्शन पे ध्यान दें, है ना। तो आप थोड़ा सा उर्दू भी पढ़िए, हिंदी भी पढ़िए और इंग्लिश भी पढ़िए, 25 क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। डेट मैं आपको बता ही चुका हूँ। और देखिए सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है, एनसीईआरटी जो पैटर्न फॉलो कर रही है, फिर सीबीएसई जो पैटर्न फॉलो कर रही है, सीबीएसई कुछ नहीं, एनसीईआरटी का चलता है, सीबीएसई भी एनसीईआरटी को फॉलो कर रही है ना। ये जो है मैं इसको इसमें क्या बताऊँ मैं आपको, खैर है ना, ये तो बोर्ड है एक, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी की बात मानी जाएगी ना। अब देखिए जो डेट है वो 11 तारीख की है, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ 11 तारीख की सबके लिए डेट है, अगर कोई नई डेट आती है तो मैं उसको भी आपको इन्फॉर्म करूँगा, है ना। बाकी अभी तक जो 11 ही डेट है, 700 रुपये का फॉर्म है वो, 650 रुपये का फॉर्म है फर्स्ट क्लास वाला, ये 700 रुपये का फॉर्म है, आगे आप जाएंगे थोड़ा सा पैसा और बढ़ जाएगा, 750 रुपये का फॉर्म हो जाएगा 750 का, ठीक है। तो ये सब हमारी बात है, 2 घंटे का पेपर होगा आपको, कुछ दिन एक वीक पहले ही आपके आपका एडमिट कार्ड आया था, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है।
बाकी यह है कि आप बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए यूनिवर्सिटी की जैसा भी है, और आप पेपर दीजिए दीजिए, बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी कीजिए। और एडमिट कार्ड की थोड़ा सा आप फॉर्म देख लीजिएगा, सारी डिटेल अच्छी हो, ठीक हो, मतलब प्रॉपर हो। और बर्थ सर्टिफिकेट भी देख लीजिए आप कितनी तारीख हो गई, 3 तारीख है, जितनी जल्दी हो सके बनवा के सारे डॉक्यूमेंट करके अप्लाई कीजिए। डेट मुझे नहीं लग रहा कि आगे एक्सटेंड की जाएगी, अगर होती है तो मैं आपको वो मेल फोन करूँगा। ठीक है जी, शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।